गरीबों को वितरण किया जाने वाला सैकड़ों क्विंटल खाद्यान्न के खराब होने पर रीसीलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी के संबल चंदौसी में सैकड़ों क्विंटल चावल उस वक्त खराब हो गया जब राशन रखने वाले गोदाम में अनाज की बोरियों के नीचे प्लास्टिक नहीं लगाया गया। सीड़न की वजह से सैकड़ों क्विंटल चावल खराब हो गए, किंतु अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए रीसीलिंग कर सीधे राशन डीलरों को भेज रहे हैं। घटना के संबंध में जैसे ही उच्च अधिकारियों को भनक लगी तो उन्होंने गोदाम का जायजा लिया। जायजे के दौरान सुरक्षा को लेकर मानक में अनियमितता पाए जाने पर गोदाम इंचार्ज के खिलाफ FIR करने सहित सैंपल जांच किया गया। फिलहाल नए बोरे में रीसीलिंग जारी है। क्या नाम है आपका? झांझन सिंह। ये इतना सारा यहाँ पे सरकारी खाद्यान्न खुला पड़ा है, क्यों खुला पड़ा है? अच्छा दिन यहाँ गोदाम दिया है अभी तो, वैसे तो हम पन्नी बेचवा रहे हैं, तिरपाल बेचवा रहे हैं, लेकिन अब थोड़े से ये दो तीन गाड़ी नया गोदाम दिया था, पहले लग गई उस समय तिरपाल नहीं बेच पा रहा। मैं आपसे तिरपाल पूछने का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सरकारी खाद्यान्न के कट्टे हैं क्यों खुले पड़े हैं, क्यों इनको पलटी किया जा रहा है यहाँ? सर फट जाते हैं तो छीलने तो पड़ते ही हैं, फट गया है जल्द झड़ जाते हैं कट्टे, जो खराब भाँचे भी आ जाते हैं अच्छे से वो भी तो छीलने तो पड़ते ही हैं सर, सुबह में तो लग ही जाते हैं कट्टे, दो चार कट्टे तो हर ट्रैक में लगे। तो बदबू आ रही है यहाँ सारे खाद्यान्न में, कैसे आ रही है? ये नया गोदाम लगाया सर, नीचे के पानी से वो आ गई सर्दी सी, थोड़ी सी नमी आ गई है, अब ऐसी कोई शिकायत नहीं, मैंने तिरपाल भिजवा रखे हैं सर। अब आगे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे सूचना मिली थी कि कुछ कट्टे जो नीचे नमी लगने के कारण खराब हो गए हैं, तो उसकी जांच की जा रही है और सैंपल के लिए भी भेजा जा रहा है। सही चावल और जो खराब चावल हुआ उन दोनों का सैंपल लेके हम लोग भेज रहे हैं जांच करने के लिए। खराब चावलों को उसकी रीसीलिंग कर और राशन कोटेदारों को दे दिया गया? नहीं, अभी ये तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि राशन कोटेदारों को दिया गया, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ अभी काफ़ी समय से, तो यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा किसी कोटेदार को ये खराब राशन सप्लाई। सर प्रथम दृष्टया किसकी कमी नहीं आ रही है इसमें? प्रथम दृष्टया तो कहीं ना कहीं गोदाम प्रभारी की ही लापरवाही इसमें आ रही है कि इसको रखने के लिए इसके नीचे पन्नी लगाना चाहिए था जिससे नमी नहीं आ पाती इसमें, इनके द्वारा ये लापरवाही बरती गई है।